आईपीएल 16 से जुड़ी बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पहला एलिमिनेटर मुकाबला मुंबई इंडियंस बनाम लखनऊ सुपर जायंट्स के दरमियान जारी है, जहां इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया, जहां मुंबई इंडियंस के लिए ईशान किशन और रोहित शर्मा बारी की शुरुआत करने आए, जहां ईशान किशन ने 10 गेंदों में 11 रन की बारी खेली और रोहित शर्मा ने भी 15 रन की बारी खेली, जहां कैमरन ग्रीन ने 23 गेंदों में 41 और सूर्य कुमार यादव ने 20 गेंदों में 33 रन की बारी खेली, जहां तिलिक वर्मा ने 22 गेंदों में 26 रन, जिसके चलते 20 ओवर के समाप्ति के बाद 8 विकेट के नुकसान पर मुंबई इंडियंस की टीम ने 182 तक मुंबई इंडियंस की टीम पहुंच गई, जहां गेंदबाजी में क्रोनवाल पांड्या ने 4 ओवर 38 रन कोई सफलता नहीं, जहां नवीन उलहक ने 4 ओवर 38 रन 4 विकेट और यश ठाकुर ने भी 4 ओवर 34 रन देके 3 सफलताएं हासिल की, यानी कुछ देर बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरेगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।